नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे नई और पुरानी पेंशन स्कीम के बारे में। ये एक ऐसा मुद्दा है किसको आप हल्के में ले ही नहीं सकते हैं। इस मुद्दे के ऊपर सरकार बदल जा रही है, चाहे वो पंजाब की सरकार हो चाहे हिमाचल की सरकार हो, ये दो सरकारें तो बदल गई हैं, लेकिन आने वाले समय में इस मुद्दे के ऊपर कितनी और सरकारें बदल जाएंगी ये कहना थोड़ा मुश्किल है। तो अब ये नई और पुरानी पेंशन स्कीम में क्या अंतर है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की इंप्लाई हो या राज्य सरकार की इंप्लाई हो, ये दोनों कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने के लिए और नई पेंशन व्यवस्था को हटाने के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। तो आइए समझते हैं इन दोनों पेंशन योजनाओं में क्या अंतर है। इस अंतर को समझने के पहले दो तीन बिंदु इसको समझ लेते हैं। इस समझ लेने से मामला आगे का थोड़ा आसान हो जाएगा। तो पहले है जीपीएफ। जीपीएफ है जनरल प्रोविडेंट फंड। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी हो या राज्य सरकार के कर्मचारी हो, उसका फंड पहले जमा होता था, अभी नहीं होता है। अभी सरकार जब से नियम बदल दी है 2003-2004 से, तब से इस पुरानी वाली पेंशन व्यवस्था खत्म होने की वजह से अब जीपीएफ में नए लोगों का पैसा तो जमा नहीं होता, जो उसके पहले की इंप्लाई उनका जमा होता है। अच्छा, एक चीज और क्लियर कर दें, ये जो नई पेंशन योजना लागू हुई है ये सशस्त्र बलों को छोड़ करके लागू हुई है। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं सबके ऊपर लागू है, केवल सशस्त्र बल इससे बाहर है। उसी तरह से अब है ईपीएफ, ये है इंप्लाई प्रोविडेंट फंड। ये जो प्राइवेट सेक्टर में लोग काम करने वाले हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी हैं, इसमें उनका फंड जमा होता है। 12% कर्मचारी का जमा होता है और 12% कंपनी देती है। दोनों पैसा 24% यहाँ जमा होता है। रिटायरमेंट के समय पे एक मुश्त राशि इम्प्लाई को मिल जाती है, या बीच में कुछ जरूरत पड़ी तो उससे पैसा निकाल के अपना काम चला सकता है। और अब आता है पीपीएफ। पीपीएफ क्या है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड है। इसमें ना तो आपको सेंट्रल कर्मचारी होना जरूरी है, ना तो राज्य सरकार कर्मचारी होना जरूरी है, ना प्राइवेट सेक्टर में काम करना जरूरी है। आप कुछ भी कर रहे हो, कोई बिजनेस हो, कोई व्यापार हो, कुछ भी हो, आप इसमें खाता खुलवा सकते हैं और आप इसमें पैसा जमा कर सकते हैं। जो और बचत आज के डेट में चल रही है, खाताएं चल रहे हैं, स्कीमें चल रही हैं, उससे इसमें थोड़ा इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलता है, लेकिन ये 15 साल के लिए ब्लॉक होता है पैसा। 5 साल के बाद आप निकाल तो सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ लॉसेस हैं। अब देखते हैं पुरानी पेंशन क्या थी। तो इस योजना में पेंशन 100% जो भी आपको मिलती थी पेंशन, चाहे 25,000 मिल रहा हो, 50,000 मिल रहा हो, 30,000 मिल रहा हो, जो भी मिल रहा हो, ये सारा पैसा सरकार अपने जेब से आपको पे करती थी। इसमें आपका कुछ नहीं लगता था, यानी इम्प्लाई का कुछ नहीं लगता था। जो भी पेंशन के रूप में आय होती थी, जो मिलता था, वो पूरा का पूरा पैसा गवर्नमेंट का होता था। दूसरा है जीपीएफ में जमा राशि पर निर्धारित इंटरेस्ट की गारंटी। जिस तरह से पीएफ प्राइवेट सेक्टर कंपनी में काम करने वालों का जमा होता है, तो उसमें साल भर में एक बार इंटरेस्ट लगता है, सरकार तय करती है, उसमें कुछ बढ़ा सकती है, कुछ घटा सकती है। इसी तरह से जीपीएफ में जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी पहले जमा करते थे, उस पर सरकार साल भर में एक बार इंटरेस्ट लगा करके उसको जोड़ देती थी उसमें। अब तीसरा क्या था, सरकारें सेंट्रल हो या राज्य हो, अंतिम बेसिक का 50% प्लस जो उस समय महंगाई चल रहा हो, महंगाई भत्ता या जिसको डीए बोलते हैं, वो जोड़ करके जितना बनता था उतना इम्प्लाई का पेंशन फिक्स होता था। यानी इम्प्लाई को पेंशन कितना मिलेगी वो तय है, जो उसका लास्ट बेसिक रहेगा वो प्लस उस टाइम का जो महंगाई भत्ता रहेगा वो जोड़ करके उसको जो पेंशन बनती है उसको मिलेगा। सेवा काल के दौरान, अगर सेवा काल के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु हो गई किसी भी कारणवश, तो एक पारिवारिक पेंशन का प्राविधान होता था पुरानी पेंशन में, तो उस परिवार को पारिवारिक पेंशन के तहत पेंशन लागू हो जाती थी, मिलने लगती थी। और जीपीएफ में जो पैसा जमा होता था सेंट्रल या राज्य सरकारी कर्मचारी का, उसमें से 75% तक जब चाहे इम्प्लाई किसी भी अपने जरूरत में, भाई घर पे शादी है, कोई मेडिकल है, कोई शिक्षा का काम है, उसके लिए निकाल सकता था और बाद में उसको जमा भी कर सकता था। तो जो पैसा निकालता था वो भी इनकम टैक्स फ्री होता था,
और जो जमा करता था वो इंटरेस्ट मुक्त होता था। तो ये जो जीपीएफ की फायदा थी पहले इंप्लाइयों को 2003 और 2004 के पहले, वो नई पेंशन स्कीम में समाप्त हो गई। अब देखते नई पेंशन योजना क्या है। जो नई पेंशन योजना है इसको 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार लेकर के आई थी। उस समय एनडीए की सरकार थी, इनको बहुत सारी छोटी मोटी पार्टियों का समर्थन हासिल था, तो सारे लोगों ने सहयोग करके इस बिल को पास करवाया था। और पेंशन नियामक कानून जो था वो 2004 में यही कांग्रेस सरकार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से पास करवाई थी। तो जो आज विरोध कर रहे हैं पुरानी पेंशन बिल का, विरोध कर रहे हैं कि नहीं वो अच्छी थी उसको लागू करो, नई वाली हटा दो, तो ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये दोनों मिलकर के खेला किए हैं सब, कि ठीक है यार अपने को क्या है, पेंशन से हम लोग दूर हो जाएंगे, कर्मचारी को जो मिलेगा वो मिलेगा। लेकिन आज सत्ता सुख चाहिए, तो सत्ता सुख के लिए देश का प्रदेश का हित हो रहा अहित हो रहा ये कोई देखने वाला तो है नहीं। अब सबको सत्ता चाहिए तो अब क्या है, पुरानी पेंशन लेके आओ। पुरानी पेंशन को बोल बोल करके और उसका ढिढोरा पीट करके एक पंजाब में सरकार बदल गई, एक हिमाचल में सरकार बदल गई, हो सकता है और भी सरकारें बदल जाए। तो अभी क्या है, आज जो पुरानी पेंशन बहाल करना चाहते हैं वो लोग मिलकर के इसको समाप्त किए थे। इसको केवल जिस समय कानून आया था 2003 में वाजपेयी जी लेके आए थे, उस समय उनका मानना था केवल जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं ये उनके ऊपर लागू होगा। लेकिन बाद में राज्य सरकारों को लगा यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, हम भी पेंशन से मुक्त हो जाएंगे, जब सेंट्रल हो रही तो हम क्यों ना हो। तो लगभग सारे राज्यों ने इसको अपना लिया कि ठीक है हम भी इसी का पालन करेंगे। इस नई पेंशन जो स्कीम है इसको अनिवार्य योगदान योजना भी कह सकते हैं, क्योंकि अब जो भी इंप्लाई है चाहे सेंट्रल का हो चाहे स्टेट का हो, उसको 10% अपने पेमेंट का एनपीएस में जमा करना ही करना है। 10% वो जमा करेगा, 10% सरकारें जमा करती है चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो, लेकिन इस समय केंद्र सरकार 10 के बजाय 14% का कंट्रीब्यूशन अपने इंप्लाइयों के एनपीएस में कर रही है। इसको निजी पेंशन योजना या पेंशन का निजीकरण भी बोल सकते हैं। भाई सरकार पहले पेंशन देती थी, सरकार ने क्या किया, पल्ला झाड़ लिया, सरकार ने दे दिया दूसरे के मत्थे, जो दूसरे के मत्थे दे दिया तो वही तो है प्राइवेटाइजेशन। क्या है कि हमसे मतलब नहीं है, प्राइवेट वाला समझे, जो खरीद लिया वो समझे, जो ले रहा जो दे रहा वो समझता रहे। तो इसको पेंशन का निजीकरण भी आप बोल सकते हैं। हर सरकारी कर्मचारी को इसमें 10% वही जैसा बताया बेसिक में जमा करना, एनपीएस में जमा करना है, सरकार भी उसी के आसपास जमा करती है, केंद्र सरकार इस समय 4% ज्यादा दे रही, राज्य सरकार भी चाहे तो इसमें कुछ घटा बढ़ा सकती है। रिटायरमेंट के बाद अब बात आती है कि अगर एक इंप्लाई मान लीजिए 30 साल सर्विस किया और उसने एनपीएस में जो भी अमाउंट जमा किया मान लीजिए 15 लाख जमा कर दिया, तो अगर वो चाहे तो उसमें मैक्सिमम 60% निकाल सकता है, बाकी 40% पेंशन में जाना ही जाना है। तो जो 60% वो निकालेगा उसके ऊपर उसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, जबकि जीपीएफ और पीपीएफ में ईपीएफ में ये सारी व्यवस्थाएं नहीं है। तो अब ये सारी जो खामियां हैं अभी इस पेंशन स्कीम का, इन्हीं सबको लेकर के जो राजनीतिक पार्टियां हैं या जो कर्मचारी हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। अब देखते हैं इसमें 8-10 बिंदु है जिसको समझ लेते हैं कि नई और पुरानी में क्या अंतर है। तो पहला बिंदु इसमें है कटौती। तो कटौती के लिए क्या था, पहले जो पेंशन मिलती थी उसमें इंप्लाई का 54 कटती नहीं थी, जो भी मिलता था वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी। लेकिन अभी क्या हो गया, 10% आपको देना ही देना है। तो जब 10% आपको देना है तो ये आपको भारी लग रहा है। दूसरा क्या है, पेंशन कितनी मिलेगी। भाई पहले तो फिक्स था कि जो आपका लास्ट बेसिक रहेगा उसका 50% प्लस जो डीए है जो महंगाई भत्ता वो जोड़ करके जो बनता वो पेंशन आपको दी जाएगी। लेकिन नई पेंशन व्यवस्था के तहत ये चीजें खत्म हो गई हैं। अब आप जितना पैसा एनपीएस में कंट्रीब्यूट करेंगे उसमें से जितना आप उसमें पेंशन के लिए छोड़ेंगे, मान लीजिए आप 10% ले लिए, 20 ले लिए, 50-60 जो भी लेना ले लिए या नहीं लिए, तो उसके हिसाब से तय होगा कि आपको कितना पेंशन मिलेगा। वो भी तय करेगा
जो बीमा कंपनी है और शेयर मार्केट कंपनी है जहां पे पैसा लगाया जा रहा है, मार्केट क्या कंडीशन है, बीमा कंपनी कितना फायदा लॉस हो रहा है, उसके हिसाब से आपको पेंशन मिलेगी। पेंशन कौन देगा? पहले तो पेंशन सरकार देती थी, चाहे राज्य सरकार दे रही हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही हो, लेकिन अब तो ऐसा रहा नहीं। अब तो पेंशन मिलेगा आपको बीमा कंपनी के माध्यम से, तो बीमा कंपनी तय करेगी और देने वाली अब बीमा कंपनी है। विवाद क्या है? विवाद कौन देखेगा? अगर मान लीजिए कोई विवाद हो गया पेंशन लेने वाले और पेंशन देने वाले के बीच में, तो पहले तो सरकार से लोग लड़ते थे, लेकिन अब किससे लड़ेंगे? अब सीधे जाके बीमा कंपनी से लड़ना पड़ेगा। ग्रेजुएटी, जब पुरानी पेंशन योजना थी तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हो चाहे राज्य सरकार के कर्मचारी हो, इनको एक ग्रेजुएटी मिलती थी रिटायरमेंट के टाइम पे। लेकिन जब नया व्यवस्था आ गई, नई पेंशन स्कीम आ गई, तो इसमें ग्रेजुएटी को खत्म कर दिया गया। अब ग्रेजुएटी नाम की नई पेंशन स्कीम में कोई चीज नहीं रही। डेथ ग्रेजुएटी, डेथ ग्रेजुएटी का मतलब यह है कि अगर कोई कर्मचारी सेवाकाल के दौरान किसी भी कारणवश उसका देहांत हो जाता है, तो उसके परिवार को लगभग 16-17 महीने का पेमेंट मिलता था, वो डेथ ग्रेजुएटी के नाम पे मिलता था, जो पहले लगभग 10 लाख होता था, बाद में जब 7वां वेतन आयोग लगा तो सरकार उसको बढ़ा के 20 लाख कर दी थी। लेकिन जब नई पेंशन योजना लागू कर दी तो उसमें वो चीजें भी खत्म हो गई। पारिवारिक पेंशन, अगर कोई कर्मचारी सेवाकाल के दौरान उसको कुछ हो जाता था, मान लीजिए उसकी डेथ हो गई तो ये पारिवारिक पेंशन का प्राविधान पुरानी पेंशन में था कि उसके परिवार को इतना पेंशन हर महीने मिलेगी, जबकि नए पेंशन में सब चीजें हटा दी गई हैं। महंगाई, हर सेंट्रल या राज्य सरकारी कर्मचारी को 6 महीने बाद जो महंगाई बढ़ती है उसके ऊपर में उसकी पेंशन बढ़ा दी जाती है। तो अब डीए बढ़ने और घटने का सवाल नहीं है, महंगाई कहीं भी जाए आपकी जो पेंशन फिक्स हो गई है आपको वही पेंशन मिलना है। लोन की सुविधा, पहले जो जीपीएफ था उस पर अच्छा खासा आदमी जब चाहता था, जरूरत होती तो लोन ले लेता था, लेकिन एनपीएस में वो सुविधाएं हैं नहीं। अगर आदमी लोन उसमें केवल 3 ही बार ले सकते हैं पूरे सर्विस काल के दौरान, और उसकी भी समय इतनी जटिल प्रक्रिया है कि आदमी सोचता है यार दूसरा कोई बंदोबस्त कर लो, इसमें मत जाओ, तो लोन की व्यवस्था जो थी वो भी लगभग खत्म ही है। जीपीएफ पर टैक्स, जो जनरल प्रोविडेंट फंड होता था उस पर रिटायरमेंट के बाद टैक्स नहीं लगता था, वो टैक्स फ्री अमाउंट था। लेकिन अभी अगर आप जो एनपीएस में पैसा डाल रहे हैं और उससे जो पैसा लेंगे 60% 40% उस पर आपको टैक्स देना होगा। ब्याज दर, जीपीएफ पे साल में एक बार फिक्स होता था ब्याज लगता था, सरकार जो भी तय करती थी वो ब्याज लगता था, लेकिन एनपीएस में सरकार के द्वारा ब्याज व्याज कुछ लगता नहीं है। इसमें क्या होता है, सरकार जो बीमा कंपनी है वो आपका पैसा कहाँ लगाई है, उसमें उसको कितना लॉस हुआ कितना प्रॉफिट हुआ उसके हिसाब से उसको वो तय करती है। तो मैं आपको लास्ट में एक बार फिर बता दूं, ये जो नई पेंशन स्कीम लागू है ये सशस्त्र बलों को छोड़ करके लागू है, सशस्त्र बल इसमें नहीं आता, यानी उसको अभी भी पुरानी पेंशन ही मिलती है। अभी 2 राज्य ऐसे हैं जो पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर दिए हैं, पंजाब और झारखंड। मान सरकार और सोरेन सरकार, 2 सरकारों ने इस चीज को पुरानी व्यवस्था को लागू कर दिया है। हो सकता है हिमाचल भी हो जाए, क्योंकि कांग्रेस ने पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने का वादा किया था। तो ये रही नई और पुरानी पेंशन स्कीम के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।